ओके आपको मेरी स्क्रीन विजुअल है? यस सर। ओके ठीक है। हम लोग बेसिकली जो बात कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें कुछ बातें हमने पिछली बार क्लास में बात कर ली थी, क्या होता है, कैसे मैटर होता है, किसको हम कहेंगे, ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर लेते कि कितना उसमें स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, कितने छोटे होते हैं, तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज हम नेक्स्ट यहां से जो है आगे बात करते हैं, ठीक है? ओके, आज हम बात करेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहां सबसे पहले हम वो लिख देते हैं आज की डेट, एंड जो है डेट हमारा क्या है, सर 17 नवंबर 2023। वेरी गुड, 17/11/23, ठीक है? ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में जो है हम बात करते हैं। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। आप सभी को पता होगा कि जो पार्टिकल्स के मैटर है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि सर कैसे आप कह रहे हो अट्रैक्ट करते हैं, जैसे देखना चौक जो है वो बंधा होता है, वो अलग बात है कि किसी का अट्रैक्शन ज्यादा होगा किसी का अट्रैक्शन कम होगा। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है दोस्त है क्लास में, किसी के साथ जो है ज्यादा क्लोज होंगे, किसी के साथ क्या होंगे, कम क्लोज होंगे। जिसके साथ ज्यादा क्लोज होंगे तो उसके साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और जिसके साथ कम होंगे तो उसके साथ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। तो सिमिलरली यहां भी होता है कि जिनके बीच जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उनका जो है वो क्या होगा, उतना ज्यादा जो है आपको एनर्जी लगेगी तोड़ने में। जैसे आप मुझे बताइए कि मेरे पास तीन चीजें हैं, एक चौक है, एक आयरन है, एक आइस क्यूब है, मैं सबसे आसानी से किसको तोड़ पाऊंगा? चौक को जो है आप क्या करोगे, हैमर लेके मारोगे तो तुरंत टूट जाएगा। आइस जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बंधा होता है जिस कारण से जल्दी टूटता नहीं है। ओके, नेल को आप बहुत ज्यादा मारोगे तब जो है आयरन का जो है नेल का जो है वो क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो ये कहता है टेक पीस ऑफ चौक एंड आयरन नेल एंड क्यूब ऑफ आइस, हिट देम विद हैमर। और इन सभी को मैंने एक चौक लिया, एक मैंने नेल लिया, और एक मैंने क्या ले लिया, आइस ले लिया, और इन सभी को हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़े, हथौड़े से पीटना शुरू किया। तो ये क्या हो जाएगा, पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा, इसका तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आइस जो है थोड़ा ज्यादा अच्छे पीटने पे जो है ये भी क्या हो जाएगा, छोटे छोटे जो है लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है? ये छोटे छोटे जो है पत्थर के मतलब जो है आइस के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने आइस का गोला खाया होगा उसमें छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, तो उसी टाइप से। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि शिमला में जो है क्या होता है कि जिस प्रकार से जो है वो छोटे छोटे जो है आइस के जो है वो गिरते रहते हैं, तो उस प्रकार से जो हम लोग कहते हैं, जिसको आप लोग हिम भी कहते होंगे। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मुझे बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? सर सॉलिड आयरन, तीनों तो सॉलिड ही है, तो सबसे ज्यादा इन तीनों में किस में हो जाएगा, वो अलग बात है। बिल्कुल सही कहा कि सर सबसे ज्यादा तो सॉलिड में होगा, फिर जो है लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है, सॉलिड है। तो इस केस में सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आयरन में होगा, फिर किस में होगा, आइस में होगा, फिर किस में होगा, आपका चौक में होगा। तो यही चीजें होता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इस जो आयरन है उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज्यादा लगा है। अरे विच इज इजियर टू ब्रेक, कौन सा आसानी से टूट जाएगा, चौक। वेरी गुड, चौक। विच रिक्वायर मोर फोर्स, किसमें जो है ज्यादा फोर्स लगेगा, आयरन नेल, आयरन नेल। तो कहता है वेरी गुड, इट इज इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चौक इनटू स्मॉलर पार्टिकल, क्योंकि इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, जिस कारण से ये जो है क्या हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। एंड क्यूब ऑफ आइस रिक्वायर्स मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स, जिस कारण से उसको थोड़ा सा ज्यादा आपको पीटना पड़ेगा, जबकि आयरन नेल डज नॉट ब्रेक इवन विथ लार्ज फोर्स।
उसको आप बहुत ज्यादा पीटोगे तो भी जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ चौक इज क्वाइट वीक, यानी कि जो इसमें कम होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ आइस इज बिट स्ट्रॉन्गर, यानी कि थोड़ा सा जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आयरन नेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जो आयरन नेल होगा उसमें जो होगा बहुत ज्यादा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो जो है क्या होते हैं कि कौन स्ट्रांग होगा कौन कमजोर होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये किसके पास है, उन मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, आपका जो है बॉन्ड मजबूत होगा, तो उसको उतना ज्यादा तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस मैटर, सबसे ज्यादा जो होगा वो किस में हो जाएगा, सॉलिड में, और सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में किस में क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और जो आपके पास हो जाएगा क्या कहते हैं गैस में वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं, ये चीजें जो है कह सकते हैं, इसलिए नहीं लिखता क्योंकि बाहर में जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई है सारी चीजें, इसलिए। ओके, अब यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो है ये पता कर लिया कि पार्टिकल ऑफ गैसेस मैटर जो है इस प्रकार से होते हैं। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैंने आपको पहले बताया कि आपने क्या करा, एक बीकर लिया और उस बीकर में आपने क्या करा कि पार्टिकल्स को डाला पोटेशियम परमैंगनेट को, फिर उससे 10 ml लिया दूसरे में डाला तो उसमें भी आपको कलर मिला, सोचो कितना, हमने 3 या 4 क्रिस्टल लिया था, फिर फर्दर हमने इसको तीसरे में डाला तो इससे हमें पता लगा कि उसके अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स हैं। फिर हमने क्या करा कि किसी में चीनी में सॉरी पानी में चीनी को डिसॉल्व किया तो जिस कारण से हमें पता लगा कि उनके बीच क्या स्पेस है, कैसे पता लगा, क्योंकि उनका जो वॉल्यूम था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, इस कारण से हमने क्या कह दिया कि उनके बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। तीसरा हमने पता करा कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एज टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर, कैसे पता किया, हमने पता किया कि जैसे ही आप लोगों ने गर्म खाना जो है रखा तो वो दूर दूर तक चले गया, जैसे आप लोगों ने शादी पार्टी का जो है खाना कहाँ तक चले जाता है, आपके घर तक चले जाता है, अगर आपके गाँव में कहीं बन रहा होगा तो देखिएगा कि खैर आप लोगों के उधर नहीं जाता होगा क्योंकि आप लोगों का घर काफी दूर दूर है तो अपने घर का ही स्मेल आता होगा। ठीक है, लेकिन जिनका घर बहुत नजदीक नजदीक है अगर जैसे मान लो तो उसके घर के आसपास सभी लोगों को क्या आता है, खुशबू जाता है, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, मूव्स जो है फास्टर करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा गर्म खाना बनाओगे तो ज्यादा दूर लग जाएगा, कम जो है धीरे धीरे बनाओगे आज पे तो कम दूर तक जो है आपका जाता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, ये जो पार्टिकल्स अभी जस्ट मैंने बताया कि आयरन नेल जो होते हैं वो क्या करते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, जिस कारण से ये जो है आपस में जो है सबसे मजबूती से बंधे होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, यानी कि बेसिकली आपको जो है तीन टाइप के पढ़ने हैं, कौन कौन से, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, लेकिन होते कितने हैं सर, फाइव फाइव कौन कौन से होते हैं, फोर्थ वन कौन सा, वेरी गुड, हाँ प्लाज्मा होता है एंड बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है टोटल हमारे पास फाइव होते हैं। फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, इन्होंने कहा कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं, थ्री टाइप्स से, एक का नाम क्या हो जाता है सॉलिड, दूसरे का नाम क्या हो जाता है लिक्विड, ठीक है, तीसरे का नाम क्या हो जाता है गैस। देखिए गैस को दिखाने का तरीका कितना अच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, और मैटर कैन इवन एग्जिस्ट टू मोर स्टेट, एक्चुअली वैसे तो बहुत सारे स्टेट होते हैं, 7 स्टेट होते हैं, लेकिन आपको 5 स्टेट के बारे में आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आपको 5 स्टेट पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कहता है कौन कौन सा टू मोर स्टेट है, एक का नाम है प्लाज्मा जिसको सुपर हॉट गैस भी कहते हैं, दूसरे का नाम क्या होता है द मैटर विच इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, फिफ्थ वन क्या हो जाता है आपका, एग्जाम्पल भी हम बात करेंगे क्या क्या होता है, और जो लास्ट वन होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाता है। ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, वो भी वेरी लो टेम्परेचर पे जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो लेट अस स्टडी लिक्विड
एंड गैस इन डिटेल हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे, और मैं जो है फोर्थ एंड फिफ्थ जो है आपको बताऊंगा भी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉलिड की। तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो आप कहोगे कि सर सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नेगलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, यानी कि फिक्स्ड यहाँ पे जो है। सर द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। वेरी गुड, जो है पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू इच अदर। मैं यहाँ पे ना मेन मेन लिखता हूँ जो कि आपको शायद नहीं पता होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी लो। इसका मतलब क्या है, बाकी जो जो आ जाएंगे उसलिए उनको मैंने नहीं लिखा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी लो। इसका मतलब देखिए, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो पास पास आएंगे कि या दूर दूर रहेंगे? कहोगे सर पास पास आएंगे, इसीलिए इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या लिखा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। सेकंड, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए क्या हो जाएगा, इंटर इन हाँ इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन इज हाई। इसी कारण से तो ये आपस में बंधे होंगे, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उस कारण से क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से बंधा होगा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेरी हाई हो जाएगा, वेरी हाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तीसरा हमारे पास, चौथा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसके बीच में कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा जो है कम हो जाती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जिस कारण से क्या होते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये सारी बात है। हम आगे बात भी बताएंगे कि इनकी जो है फिक्स होती है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। फोर्थ पॉइंट में अगर जो बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लो, या इट्स एनर्जी इज लो। इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, सॉलिड स्टेट की, फिर किसकी होती है, लिक्विड स्टेट की, और फिर किसकी होती है, गैस की हो जाती है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इट्स डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो, इट्स डिफ्यूजन रेट इज वेरी लो। इसका जो डिफ्यूजन रेट होगा, यानी कि जो घुलने मिलने की टेंडेंसी होगी, वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, जिस कारण से हम लोग जो है ये सारी बातें कहेंगे, कंप्रेसिबिलिटी की भी बात करेंगे और ये सारी चीजें जो बात करेंगे। मैंने मेन मेन पॉइंट जो है आपको नहीं मिलेगा, उनको मैंने कवर करा दिया। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड देखिए, कितने पार्टिकल पास पास में है, जिस कारण से ये जो है क्या हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी ज्यादा लगता है। अच्छा, इनके बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच जो गैप होगा वो बहुत ही कम होगा, जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो है ठीक है, तो काफी जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जैसे ही कम हो जाता है तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है पार्टिकल्स काफी ज्यादा क्लोज है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनके बीच में जो स्पेस आ जाएगा वो काफी ज्यादा जो है कम आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जो कि मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि इनके बीच पार्टिकल काफी पास पास आते हैं, काफी पास पास रहते हैं, तो जिस कारण से ये एक दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, देखिए ध्यान से,
मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ क्यों जब पास पास रहते हैं तो अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक सॉलिड है, ठीक है, दूसरा अगर पास पास होगा तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिमिलरली यहाँ से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन अगर न्यूक्लियस ज्यादा दूर दूर होता तो ये अट्रैक्ट कर नहीं पाता न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, तो जिस कारण से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग जाता है, कम लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि नजदीक नजदीक होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या लग जाता है, आपका ज्यादा लग जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल की लिस्ट होती है, यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड टूगेदर, दे कैन नॉट मूव मच, इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग होते हैं, जिस कारण से ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली कोई बच्चा आ जाता है यहाँ पे इसलिए जो है वो हंसा देता है। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी ज्यादा जो है पास पास आ जाते हैं, और इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैंने बताया कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। इसको जो भी सॉलिड है, जाओ यहां से, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सॉलिड्स जो होते हैं उनके बीच क्या हो जाता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम हो जाता है। अगर आप इनको क्या कीजिएगा कि कहीं भी लेके चले जाइएगा, अगर कोई किसी पत्थर को आपने लिया, आप उसको कहीं भी लेके चले जाओगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा, जैसा है वैसा ही रखेगा। आप चाहे पत्थर को किसी बाल्टी में रख दीजिए, किसी जो है तालाब में रख दीजिए, किसी नदी में डाल दीजिए, तो उसका जैसा शेप है वैसा ही रहेगा, उसका जो है डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इस कारण से आपका जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन से एग्जाम्पल है, पैन है, बुक है, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी क्या चीजें हो जाती है, आपकी जो है इसी फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। सॉरी, ठीक है, वो बार बार आ जा रहे थे इसीलिए जो है इसको मैंने कहा कि नीचे भेज देते हैं ताकि कि जो है बाकी क्लास में डिस्टर्ब ना करें। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर, जी बोलिए। ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें हमने जो है पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स, स्क्रीन विजिबल है ना, ओके, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक टुगेदर दे कैन नॉट मूव है मच। मैंने कहा था कि इनकी जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा जो है कॉम्पैक्ट पैकिंग होते हैं,
जिस कारण से क्या करते हैं कि सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं करते, अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं इधर उधर जो है वो मूव कर सकते हैं, इसी कारण से यहाँ पे जो है इनमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मैंने बता दिया कि बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा जिनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, यानी कि बाउंड्री जो है बिल्कुल फिक्स होती है। तो इस प्रकार से जैसे अलमारी, बुक, पेन, टेबल, चेयर, कुर्सी या जो भी चीजें आपके आसपास है, मैक्सिमम चीजें आप देखोगे तो आपको जो है सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, इनका डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, और इनकी जो है डिस्टिंक्ट बाउंड्री होते हैं। सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, आपको अगर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखना है ना तो आप कर सकते हो सिरिंच ले सकते हो। मान लिया कि मैंने एक जो है सिरिंच ले लिया, सिरिंच आप जानते हैं जिससे जो है यस हाँ वेरी गुड, यस कुछ इस प्रकार से सिरिंच है और यहाँ पे जो है ये नीडल लगा हुआ है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे प्लंजर लगा रहता है। अब इसमें क्या कर सकते हो कि आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट चीज को भर के एक बार जो है कंप्रेस करना, आप जैसे ही कंप्रेस करोगे तो एक बार आप सॉलिड रख के भरना, फिर इसी चीज को सबसे पहले आप चाहो तो गैस को, ये याद रखना, इस निडिल को हटा देना, अगर जो निडिल को नहीं हटाओगे और अगर हाथ से कंप्रेस करोगे तो आपको जो है गड़ जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसको हटा के यहाँ पे उंगली रख देना, और जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखना कि गैस में सबसे ज्यादा होती है, फिर थोड़ी बहुत जो है आपको लिक्विड मिलेगी, और जो सबसे कम होगी वो किस में हो जाती है, सॉलिड में हो जाती है। सॉलिड में वेरी गुड, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सॉलिड को ऑलमोस्ट जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। आपसे रीजन पूछेगा क्यों नहीं कर सकते, तो आप सिंपल सा कहना क्योंकि इनके बीच स्पेस नहीं होता दो पार्टिकल्स के बीच में, जिस कारण से कॉम्प्रेस, क्योंकि जगह तो होना चाहिए तभी तो कॉम्प्रेस करेगा। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जैसे दिल्ली सब में मेट्रो में क्या होता है सुबह सुबह बहुत भीड़ हो जाती है, तो उसके अंदर आदमी जाएगा कैसे, जाएगा तभी जब उसके अंदर स्पेस होगा, तो जब वहां पे सारे लोग जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो है भरे हुए हैं, तो सुबह के समय जब दिल्ली में जाते हैं तो जो बस मेट्रो जो होती है वो सॉलिड के जैसे बिहेव करती है, एकदम बिल्कुल कॉम्पैक्ट, एक आदमी जो है ऐसा लगता है कि जो है एक आदमी जो है दो आदमी जो है एक आदमी बन गए हो, इस टाइप से जो बिल्कुल पूरा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, फिर जो है आपके सामने जैसे ही थोड़ा सा दोपहर होता है, यानी कि मतलब जो है 10-11 बजे करीब सुबह मॉर्निंग में, तो उस समय थोड़ी बहुत जो है क्या हो जाती है लिक्विड के फॉर्म हो जाती है, लेकिन जैसे 1 बजता है तो उस समय कैसा हो जाता है गैस के फॉर्म होता है, एक यहाँ एक वहां, इस प्रकार से जो है इनकी वो हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच क्या हो जाता है गैप कम होता है। आप इसको देखिए प्रेस कीजिएगा तो ये प्रेस नहीं हो रहा है, तो इस कारण से ये जो है कैसा हो जाता है नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। देयर वॉल्यूम डज नॉट चेंज बाय एनी आउटसाइड फोर्स, इनके वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप बाहर से कितना आप लो पत्थर ले लो उसको आप दबाओगे तो चेंज वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, इसीलिए जो है वॉल्यूम इसका जो है चेंज नहीं होता है। सॉलिड्स आर रिजिड, देख लीजिए आप लोग जो है इस आयरन के जो है रॉड को क्या कर रहे हो, पीट रहे हो, ये बच्चा देखिए कितना पीट रहा है, हो रहा है क्या चेंज? अब ये नहीं कहना कि सर ये तो एनिमेशन है, आप एनिमेशन से जो है कैसे कह सकते हैं। हाँ एक्चुअली रियल में भी इतना छोटा बच्चा देखो, सर में बाल नहीं है फिर भी जो है चोटी बांध लिया है, ठीक है, और वो जो है लगातार पीट रहा है जिससे वो क्या हो रहा है कि जो है ये जो है आपका जो है चेंज नहीं हो रहा, तो ये कह रहा है इसका मतलब सॉलिड आर रिजिड, ये जो है रिजिड होते हैं। अनबाइंडिंग एंड इनफ्लेक्सिबल, ये जो है ना आप इसको मोड़ भी नहीं सकते, ऐसा नहीं कि इसको आप किसी तरह तार की तरह जो है एकदम वो कर सकते हो, यानी कि नहीं, ये जो है इनफ्लेक्सिबल होते, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे रबड़ की होती फ्लेक्सिबिलिटी, तो इनकी जो है क्या होती फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ओके, देखिए क्या क्या है, आप लोगों ने देखी इसको हम लोग क्या कहते हैं वुड, इसको आयरन जो है कह देंगे, और ये जो है पत्थर है, ठीक है, तो कितना अच्छा सा जो है यहाँ पे, इसीलिए ये सारे जो है आपके क्या होते हैं सॉलिड्स एंड रिजिड हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, देयर शेप डज नॉट चेंज बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, इनका जो है ना शेप को भी आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से। सम सॉलिड्स आर इलास्टिक, जो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि इलास्टिक होते हैं, जैसे रबड़ बैंड या रबड़ जो मिटाने वाला होता है वो कैसे होते हैं इलास्टिक होते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज समझते हो, यस सर, हाँ, जो यस डस्टर के रूप में जो है कई जगह पे यूज किया जाता है, तो वो सभी के सभी क्या है आपके
जो है थोड़े बहुत जो है कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो इलास्टिक के फॉर्म में पाए जाते हैं। सम सॉलिड डू नॉट डू चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड रिगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे रबड़, आप रबड़ को आप जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो वो वापस क्या हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं रबड़ को जैसे मिठाई के डब्बे में बांधते हैं, कितना छोटा सा रहता था और कितने बड़े डब्बे पे जो है बांध देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो है क्या है, रबड़ है। ओके, अब हम बात करते हैं सम सॉलिड्स आर प्लास्टिक। बहुत सारे सॉलिड्स जो होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, एग्जाम्पल क्ले, डग, ये सारे जो है क्या है आपके जो है प्लास्टिक है, यानी कि बोटल्स जो आप लोग यूज करते हो वो सारी चीजें है। सम सॉलिड डू चेंज देयर शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड डज नॉट रीगेन देयर शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। कहते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं सॉलिड जिसको आपने क्या करा ना कि फोर्स अप्लाई कर दिया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, और अगर जो शेप चेंज हो गया तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि वो वापस से उस शेप में नहीं आएगा। कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसा कोई जिसको आपने उसको सॉलिड के फॉर्म में दिखता है लेकिन जैसे ही चेंज कर दिया तो वो फिर जो है सॉलिड के फॉर्म में नहीं उसी फॉर्म में आ जाता है। सर्वेट सोइल, सर्वेट क्या कह रहे हैं? सोइल, सर्वेट सोइल, वैक्स। सर्वेट सोइल। अच्छा, वेट सॉइल, यानी कि जो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो हल्का सा जो मतलब जो है कम गीला होगा उसको आप क्या करोगे, पीटोगे तो देखना उसका शेप चेंज हो जाता है मूर्ति। हाँ, क्या बोले सोनाली, क्या बोले, एक बार फिर से बोलेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मूर्ति बनाने वाला जो है मिट्टी का यूज करता है। वैक्स मोम, हाँ, वैक्स मोम जो है उसका भी यूज कर सर सकते हो। वैक्स, हाँ, वैक्स मतलब मोमबत्ती, जैसे कि अलग अलग शेप में बनाने के लिए जो है उसको आप जरा सा फोर्स करोगे तो उसका जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर आपके घर में भी एक एग्जाम्पल होता है आटा का, जब आटा को गूंथ लेते हैं तो उस पर जैसे ही हाथ रखते हैं तो देखिए उसका शेप जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो ये जो है आपका आटा है, इसको हमने जैसे ही मड़ोरा उसका जो है शेप जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं आपकी सॉलिड की। अब हम बात करते हैं लिक्विड एंड गैस की, लिक्विड स्टेट। लिक्विड में क्या हो गया, देखो थोड़ा थोड़ा दूर हो गया जिस कारण से यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी होगी, इसका ना यहाँ पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा सॉलिड के कारण, जिस कारण से ये जो है किस स्टेट में आ जाता है लिक्विड के, यानी कि जो है पार्टिकल दूर दूर आ जाता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिक्विड कह देते हैं। स्पेस बिटवीन मॉडरेट पार्टिकल इज मॉडरेट, यहाँ पे जो दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होगा वो कैसा हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैस, या आप कह सकते हो कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज बिटवीन सॉलिड एंड गैस। एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान रखना कि लिक्विड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी ना वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आएगी, या सॉलिड और गैस के बीच में आएगी। फिर से ध्यान से मैंने क्या कहा, जितनी भी प्रॉपर्टीज आए हमेशा याद रखना कि लिक्विड को कहाँ पे रखना है, बीच में। कोई भी प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो आपकी कंप्रेसिबिलिटी की हो, चाहे डिफ्यूजन रेट की हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी की हो, चाहे स्टेबल की हो, कोई सा भी हो, वो हमेशा कहाँ पे रखता है, लिक्विड वाला जो है हमेशा मॉडरेट रहता है। इसीलिए इसको आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इसको लिक्विड को सबसे पहले कहाँ करना, बीच में कर देना। तो इस प्रकार से हम लोग जो क्या कर सकते हैं, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कैसा लग जाता है, लेस लग जाता है। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लेस, मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसके पार्टिकल की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इन लिक्विड पार्टिकल हैव मॉडरेट डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर सो पार्टिकल कैन मूव। वन थिंग, आप म्यूट कर लीजिए, मतलब म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अब इस प्रकार से जो है हमारे पास क्या हो जाता है कि इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस कारण से जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आसानी से मूव कर जाते हैं, और इसी कारण से लिक्विड के पास टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर जाए, मूव कर जाए। ठीक, ओके। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने पानी देखा होगा बोतल में भरते हैं तो जिस शेप में रखोगे उस शेप का अक्वायर ले लेगा। अब इसी पानी को अगर जो आप किसी ग्लास में रखोगे, कप में रखोगे या किसी और प्लास्टिक चीज में रखोगे तो आप देखना कि वो उसी के शेप को अक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट शेप इनडेफिनिट हो जाता है।
याद रखना कि जो लिक्विड होता है उसका क्या हो जाता है, जबकि सॉलिड का दोनों चीज फिक्स था, इसका जो है क्या हो जाता है, शेप इनडेफिनिट हो जाता है, बट वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, क्योंकि आप कहीं भी रखिए इसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, बट आपका जो है क्या हो जाएगा, चेंज इसका जो है शेप। जिस ये एक और बात भी कहा जाता है कि लिक्विड को जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का ये शेप को अक्वायर कर लेता है, ठीक है। तो ये कहते हैं लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप, यानी कि जो इसका क्या होता है, इनडेफिनेट शेप होता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, इसको भी इजिली नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर का यूज करोगे। ऑल लिक्विड फ्लो द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूडिटी, अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग कह देते हैं फ्लूड, अगर कोई भी लिक्विड फ्लो करता है तो उसको हम लोग फ्लूड कहते हैं। कई बार कहते हैं कि आप फ्लूड लिक्विड है, हाँ एक तरह से कह सकते हैं फ्लूड लिक्विड है, लेकिन लिक्विड जैसे ही क्या होगा कि अगर फ्लो करने लगेगा तो उसको हम लोग फ्लूड कह देते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लूडिटी कह देते हैं, कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग कंपाउंड के साथ जो है फ्लूडिटी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अरेंज द फोर ट्रांसपेरेंट करेंट, ये देखिए आपके पास चार कंटेनर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, प्लेस स्केल इन स्लैंटिंग पोजीशन, इसका मतलब है कि टेढ़ा करके आप स्केल रख दीजिए। अब जैसे ही रखा, टेक फोर डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, एक में हमने लिया मिल्क, एक में हनी, एक में क्रोसिन एंड एक में वाटर। मुझे बताइए कि सबसे पहले कौन फिल होगा? वाटर नहीं, क्रोसिन होता है। वाटर के ऊपर क्रोसिन का ऑयल तैरता है कि नहीं? तो यानी कि किरोसिन की डेंसिटी कम सर होती है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आसानी से जल्दी जल्दी फिल हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे चार कंटेनर है, एक में ये मिल्क है, ठीक है, ये क्या है आपका मिल्क है, यहाँ पे ये क्या है हानि है, और ये आपका क्या है क्रोसिन ऑयल है। और ये आपका क्या है वाटर है। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि क्रोस की डेंसिटी कम होती है, जिस कारण से ये क्या होगा, तुरंत जो फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड ऐसा उल्टा लिखा है ना, जैसा लिखा वैसे रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या लिखा है कि एक में जो है वाटर है, एक में जो है क्या है, हनी सर हनी ठीक है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे वाटर है, हनी है, मिल्क है, क्रोसिन ऑयल है, अब ये जैसे ही है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या करा कि इन सभी को इन कंटेनर में डालना शुरू किया। अलाउ दिस लिक्विड टू फ्लो डाउन, ऑब्जर्व द स्पीड एट विच कम डाउन। ये देखिए जैसे डाला, अब ध्यान से देखिए सबसे पहले कौन सा भर रहा है, सर कैरोसिन कैरोसिन। देखिए अभी तक हनी भर ही रहा है, ठीक, वापस से देखिए, ठीक सबसे पहले तो आपको दिखा होगा कि क्रोसिन फिल हो गया। ये देखिए सबसे पहले हमें क्या दिखा, क्रोसिन एंड वाटर में फिल करना, देख रहा देखो, तो ये क्रोसिन जो है तुरंत भरा, फिर उसके बाद जो है वाटर भरता है, फिर मिल्क, और सबसे लास्ट में क्या हो जाता है, हनी। ऐसा क्यों होता है? तो आप कहिएगा ड्यू टू द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी अलग अलग होने के कारण ये जो है फ्लूडिटी, यानी कि जो फ्लो होने की टेंडेंसी है या जो स्पीड ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो जिस कारण से पार्टिकल धीरे धीरे, यानी कि एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे, और जब एक दूसरे को पकड़ के चलेंगे तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो है आपका सबसे कम हो जाता है हनी का। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनको जो है ना, आप एक सेम टेबल पे आप जो है तीनों को जो है ना एक एक करके जो है, या तीन चार अलग अलग टेबल ले लेते और वहां पे हनी को डालते, वाटर को डालते, मिल्क को डालते, क्रोसिन को, आप देखते कि हनी ना बहुत ही स्लो चलता है। आप देखना कभी अगर देख ग्लास से निकालोगे भी ना तो धीरे 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 हनी गिरता है, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा। तो वही कहता है क्रोसिन कम डाउन फर्स्ट,
फ्लोड बाय वाटर, मिल्क एंड लास्ट हनी। तो यानी कि इस प्रकार से होता है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे जो चलता है, और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कह देते हैं, विस्कोसिटी कह देते हैं। यानी कि टेंडेंसी, यानी कि जो पार्टिकल्स फ्लो होने की टेंडेंसी जो होती है, और वो जो है कौन किसका कितना ज्यादा है, वो डिसाइड करता है विस्कस फोर्स के कारण। जिसके अंदर विस्कस फोर्स ज्यादा होगा वो धीरे धीरे भरेगा और या धीरे धीरे फ्लो करेगा, और जिसके अंदर जो विस्कस फोर्स कम होगा वो जो है तेजी से जो है क्या कर जाएगा, फिल हो जाएगा। लेस विस्कस लिक्विड फ्लो इजिली, मैंने बताया क्यों, क्योंकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में अगर हम बात करें तो ना तो कोई चीज, कोई भी चीज जो है इसकी क्या होती है, फिक्स नहीं होती, ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही सॉरी इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इनडेफिनेट क्या होता है, शेप होता है। इसको जिसमें डालो ना उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम को अक्वायर कर लेता है, इसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। इसी कारण से सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो इसी में होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे कह सकते हैं, सिंस गैसेस पार्टिकल हैव हाईएस्ट स्पेस बिटवीन देम, दे आर मूव फ्रीली। इनके बीच क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो है स्पेस होता है। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल से, जबकि सॉलिड के अंदर था बिल्कुल पास पास, और गैस लिक्विड के अंदर क्या था यहाँ पे, और देखिए गैस के अंदर कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि बहुत दूर दूर है। इसी कारण से ये क्या करते हैं, आसानी से जो है क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंस गैसियस पार्टिकल हैव हाईएस्ट स्पेस बिटवीन देम, दे मूव फ्रीली। यहाँ पे इनके बीच क्या हो जाता है कि बहुत ही कम गैप हो, ज्यादा गैप होता है, जिस कारण से आसानी से होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, जिस कारण से ये जो है पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं आपके जो है आसानी से। जितना ज्यादा, मैंने कहा कि आपका जो डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, यानी कि बंधा होगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, उतना ही कम जो है बंधा होगा। ठीक है, ओके। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज हाईएस्ट। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछू कि सबसे ज्यादा जो स्पेस होगा वो किसके अंदर होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? गैस 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 तो सबसे ज्यादा जो स्पेस होगा वो किसके अंदर हो जाएगा, गैस के अंदर जो है क्या गैस हो जाएगा। ठीक गैस है, वही कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लीस्ट। यहाँ पे जो है पार्टिकल के बीच में जो है क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताइए कि सबसे ज्यादा किस में होगा, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस सॉलिड में क्या हो, सर क्या सर सॉलिड में सॉलिड सर बहुत सबसे कम कम? डिस्टेंस होगा वेरी गुड, यस ओके। तो वही कहता है यहाँ पे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन, यानी कि कोई भी पार्टिकल कितना तेजी से मूव कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी होगी, गैस। क्यों? क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इसीलिए वो क्या करेगा, कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा। इसी कारण से यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी की जो वो होती है, मतलब स्पीड जो होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, और सबसे कम जो होती है किस में हो जाती है, आपकी सॉलिड में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इनकी ये जो है प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या है, गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होते हैं उनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है, यानी कि इसको जिस कंटेनर में डालोगे आप, अगर जैसे मान लो परफ्यूम है, अगर जो आपने अपने अपने रूम में अलग अलग रूम में स्प्रे करोगे तो वो अलग अलग रूम का जो है क्या कर लेगा, आपका जो है वो अक्वायर कर लेगा। तो यानी कि जैसे आप बोतल में रहता है तो बोतल के जैसा अक्वायर कर लेता है, अगर जो आपने रूम में डाला तो रूम के जैसे पूरे शेप को ले लेगा। तो यही कहता है कि गैस के पास जो होते हैं वो ना तो डेफिनेट शेप होते हैं, ना ही डेफिनेट क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अगर जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का ये क्या कर लेता है, शेप को अक्वायर कर लेता है। जैसे आपने पिज्जा बनाया, ठीक है, उसकी स्मेल कहां लग जाती है, बहुत दूर लग जाती है, क्यों जाती है? काइनेटिक एनर्जी आई हाँ, वेरी गुड। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से ये क्या होता है, दूर दूर लग जाता है।
काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल, जब इसके पास, अब आपने जब खाना बनाया, जैसे इस बच्चे ने बनाया खाना, बच्चे ने नहीं, बच्ची ने बनाया बच्चे भी बना सकते हैं, इन्होंने जो है बच्ची लिया, ओके। अब जैसे ही बनाया तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो गैसेस फॉर्म में आएंगे, और जब गैसेस फॉर्म में आएंगे तो जिस कारण से पूरे रूम में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और जैसे ही फैल जाएंगे तो इसका जो स्मेल जो है, इस लड़के तक भी आ गया कि ये कह रहा है कि मेरी दीदी ने जो है आज पिज्जा बनाया है, दूर से ही बता देगा। बताते कि नहीं, जैसे कई लोग जो है बता देते कि आज उसके घर में क्या बन रहा है, कई लोग जो है बता देते हैं, कभी ऐसा नोटिस किया है? कभी किसी ने ऐसा जो है बताया हो कि हाँ सर मैंने बता, हाँ, तो ऐसा जो है बहुत सारे लोगों के होता है कि ये जो है, हाँ, तो ये क्या होता है कि इनके जो गैस के पार्टिकल्स जब जैसे बनाते हैं तो धीरे धीरे गैसेस के फॉर्म में आते हैं, और जैसे ही गैसेस के फॉर्म में आते हैं तो ये पार्टिकल्स धीरे 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 क्या होता है, आसपास के जो लोग होते हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं ये दीदी और ये चाची जो है या मम्मी जो है अच्छा खाना बनाती है, क्योंकि इसका स्मेल जो है दूर दूर तक लग जाता है, ठीक है, ओके। जैसे ये कह रहा, वाह क्या पिज्जा है आज तो खाएंगे, ठीक है, तो स्मेल ऑफ डिलीशियस पिज्जा कैन फेल्ट फ्रॉम डिस्टेंस ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गैसेस फ्लो दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूडिटी। गैसेस भी जो है क्या करते हैं, फ्लूडिटी की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मैंने बताया था कि फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या कर सके वो पार्टिकल्स जो है फ्लो कर सके, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फ्लूडिटी कह देते हैं। बिकॉज पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं, इसी कारण से आपको जो है क्या होता है, दूर दूर तक स्मेल जो है दिखाई देता है। गैस मूव वेरी फास्ट एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय द सॉलिड वॉल ऑफ कंटेनर। आप इन पार्टिकल को आप रोक भी सकते हो, जैसे क्या करते हैं सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के फॉर्म में जो है गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करके जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं इनका जो यूज करते हैं, इसको कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं गैस के पार्टिकल को जो है फिक्स कर देते हैं। अब जैसे फिक्स कर दिया तो इसके बाहर जो है क्या होगा, जा नहीं पाएगा, आप लोगों ने देखा होगा परफ्यूम की बोतल में, तो वहां पे क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है जा नहीं पाते, और जब ये जा नहीं पाते तो जिस कारण से क्या हो जाते हैं कि आपके उसी के अंदर जो है बार बार मूव करते रहेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं गैसेस कैन बी इजिली कॉम्प्रेस एंड स्विच्ड टुगेदर। इसको ना आप आसानी से कॉम्प्रेस कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इनके बीच के जो पार्टिकल का गैप है वो बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा होगा तो जिस कारण से आप इसको क्या करेंगे, कर पाएंगे आसानी से जो है इसको कंप्रेस कर पाएंगे, और जब आसानी से इसको कंप्रेस कर देंगे जिस कारण से इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है बैलून में डाल दिया, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे, अब देखो सोडा में जो है डालते तो क्या होता है, जैसे ही डालते तो वो क्या होता है बाहर निकल जाता है गैस, क्यों, क्योंकि वो गैस के पार्टिकल क्या चाहते हैं कि जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ये जो है सोडा बोतल है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं समझा देता हूँ, ये जो है क्या है आपका सोडा बोतल है, और जैसे ही सोडा बोतल होगा तो जैसे इसको आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे देखिएगा कि जो है ना लिक्विड निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि गैस के पार्टिकल को हमने ना अंदर में कंप्रेस करके भर दिया, और जब वो उसको ढक्कन खोलते हैं तो वो क्या चाहेगा, गैस निकलना चाहेगा, और इसी दौरान जो है जब गैस निकलता है तो साथ में क्या करता है, लिक्विड को भी निकाल देता है, और इसी कारण से सोडा बोतल जो है क्या कर जाता है आपका जो है बाहर निकलने लगता है लिक्विड को, ओके। अब हम बात करते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन जो है सॉलिड है कौन जो है लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इन ऑल, सॉरी, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन ऑल डिफ्यूज इन लिक्विड। कहता है डिफ्यूज का मतलब होता है मिलना, घुलना मिलना, आप जो सॉलिड लिक्विड है एंड गैस को वो हम तीनों के तीनों जो है लिक्विड में डिजोल्व करा सकते हैं। सॉलिड को जो है छोटे छोटे टुकड़े में डाल दीजिए, पानी में घुल जाएगा, आपको पता है लिक्विड लिक्विड को हम लोग घोलते ही है, लिक्विड और गैस में जैसे आप लोगों ने कोका कोला पिया होगा, सोडा पिया होगा, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं इनको जो है घोल लेते हैं, ओके। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड आर हायर देन द सॉलिड। सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका हो जाता है, गैस का होता है, फिर किसका होता है लिक्विड का होता है, और फिर किसका हो जाता है सॉलिड्स का हो जाता है, ठीक है, सॉलिड ओके। हम थोड़ा जल्दी इसलिए करें ताकि कि आपको प्लाज्मा बता सके। दिस इज बिकॉज इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उनके बीच जो है पार्टिकल के बीच में जो है ज्यादा स्पेस होता है,
और इसी कारण से जो है हमारे पास क्या हो जाता है, वो जल्दी आसानी से घुल जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है तीनों को कंबाइन के फॉर्म में, देखिए इनका सॉलिड का शेप बताइए क्या होगा। सर डेफिनेट डेफिनेट होगा, वेरी गुड, फिक्स्ड होगा। लिक्विड में क्या होगा सर? शेप इनडेफिनेट, इनडेफिनेट होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था जिस कंटेनर में रखोगे उस कंटेनर में आ जाएगा, तो नॉट फिक्स हो जाएगा। गैस का बताइए सर? इनडेफिनेट, नॉट डेफिनेट हो जाएगा या इनडेफिनेट हो जाएगा। वॉल्यूम बताइए सॉलिड का, फिक्स्ड होगा या नॉट फिक्स्ड होगा? अच्छा लिक्विड में बताइए, गैस में बताइए? वेरी गुड। इंटर पार्टिकल फोर्स बताइए सॉलिड में क्या होगा, हाई होगा लो होगा क्या होगा? वेरी हाई होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा? थोड़ा मॉडरेट होगा। गैस में क्या होगा? हो जाएगा, यानी कि वेरी वीक हो जाएगा। ओके, स्पेस बिटवीन पार्टिकल बताइए सॉलिड में पार्टिकल के बीच क्या होगा? हाई स्पेस, कम स्पेस, बहुत ही कम हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा। लिक्विड में क्या होगा? मॉडरेट होगा, हाँ, यानी कि सॉलिड से ज्यादा होगा, गैस से कम होगा, इसको मॉडरेट भी कह देते हैं। और गैस में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा जो है दूर दूर हो जाएगा। वेरी गुड। फ्लूडिटी में बताइए सॉलिड क्या करेगा? नॉट फ्लो, नॉट फ्लो हो जाएगा, कैन नॉट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए लिक्विड क्या होगा, फ्लो करेगा या नहीं करेगा? तो कैन फ्लो कर जाएगा। गैस क्या करेगा? फ्लो कर जाएगा, वेरी गुड। अब इसके बाद सॉलिड की क्या होगी सर? कंप्रेसिबल, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होगा या नॉट कंप्रेसिबल होगा। लिक्विड क्या होगा? ये भी नॉन कंप्रेसिबल हो जाएगा या बहुत ही लेस कंप्रेसिबल होगा। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा, नॉट कंप्रेसिबल। हाँ, लेकिन अगर जब कहीं पे दिया रहता तो हम उसको कहते हैं वेरी लेस कंप्रेसिबल। अगर ये भी आप लिख सकते हो नॉट कंप्रेसिबल की जगह पे वेरी लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, ये तो नॉट कंप्रेसिबल होता है और ये क्या होता है? वेरी लेस होता है। गैस जो कि क्या होता है आपका? कंप्रेसिबल होता है। एबिलिटी टू फिल द कंटेनर, मुझे बताइए कि सॉलिड को अगर आप किसी कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप क्या होगा? सर चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, जो है डज नॉट फिल द कंटेनर, कैन नॉट अक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड में क्या होगा? डज नॉट फिल द कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर फिल का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा नहीं भरेगा लेकिन गैस भर देगा। हाँ, ये अलग बात है कि जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वॉल्यूम लिक्विड क्या कर लेगा आपका जो है उसी के जैसा अक्वायर कर लेगा आप जिस कंटेनर में रखेंगे। डेंसिटी बताइए सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की, सॉलिड की हाई होगी। फिर लिक्विड की क्या होगी? मॉडरेट हो जाएगी। ठीक है, और गैस की क्या हो जाएगी? लो, लो, वेरी लो। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लो वेरी लो हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? मॉडरेट हो जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगी? लो, वेरी लो, लो या वेरी लो जो भी। अच्छा, मैं स्टेबिलिटी की बात करूं एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? सर गैस, गैस, गैस की एनर्जी हाई होगी, इसकी तो मॉडरेट होगी और इसकी क्या हो जाएगी? लो, लो हो जाएगी। यहां से एक बात याद रखिएगा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, कम हो जाएगी। अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल है तो याद रखना उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना कि अगर कोई भी कंपाउंड आप लोगों से आगे जब बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से याद रखना कि अगर कोई भी कंपाउंड स्टेबल है, अगर जो कोई भी कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी
स्टेबिलिटी, अगर जो कोई भी कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी। अब कैसे कहो, देखो तो गैस की जो पार्टिकल है वो अनस्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बीच जो होती है एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, या आप कह सकते हो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर जब हमने एनर्जी किसी कंपाउंड की इंक्रीज करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, अगर स्टेबल ज्यादा है तो उसकी एनर्जी है। ऐसे भी समझ सकते हो, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो लोग स्टेबल होते हैं ना, वो अपनी एनर्जी का प्रदर्शन इधर उधर नहीं करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो लोग बिल्कुल शांत से जाते हैं और आते अपना काम करके चले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो छोटे लोग होते हैं, वो देखना कैसे मार धार जो है शुरू कर देता है, काट कूट जो है पता नहीं क्या क्या शुरू कर देता है, वो क्या हो जाते हैं, उनकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और आपके लिए जो है मैंने थोड़ा सा जो है ये भी बताना था, फिफ्थ स्टेट जो है फिर जो है नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है।